हेलो हाय व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए न्यू ईयर में करते हैं शुरुआत। न्यू ईयर में रीडिंग की लेके प्रभु का नाम, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू ग्रैटिट्यूड, प्लीज एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स। देखते हैं आज जो है आपकी लाइफ में करंटली जो है क्या आता है, करंटली करंट एनर्जी में क्या आता है। ठीक है, करंट एनर्जी ऑफ योर योर पार्टनर, योर लाइफ, योर करियर। ओके चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा जो मेरे व्यूअर्स के लिए जो हो मैसेज वही आए प्लीज। ये मेरे हैंड रिटन, इनसे हम कीवर्ड्स देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके थैंक यू। ओके करंटली आपकी लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर में, आपकी लाइफ में जो है आज साल का पहला दिन है, तो देखते हैं क्या एनर्जी आती है। ओके सारे ही ले लेते हैं, इतनी एनर्जी आ गई है। चलिए देखिए, कल वाले ही आ रहे हैं मैसेज तो मुझे लग रहा है। एम्पावर्ड टू गिव समबडी टू गिव पावर, डिलाइटफुल। निकाल लूं पहले फिर देखती हूँ। ठीक है, कॉन्कर, वाओ 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 वाओ। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, रिजिड, बी स्ट्रॉन्ग, कीन। ओके एल्डर, चैलेंज, काम, सक्सेस। यंग मैन या एल्डर या यंग मैन, स्टॉकिंग, एलिवेट। देखिए जो आपके कीवर्ड्स आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं क्या देख पा रही हूं, ऐसे ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सामने मुझे अपनी शक्ल भी दिख रही है ना इसलिए तो पहले तो सबसे पहले आपका वेलकम है नए साल में। आपको बहुत आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियों भरा हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कीवर्ड्स आए हैं। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते शायद, चलो जिनको अच्छा लगता है वो लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे आया है रिजिड, हो सकता है आप बहुत रिजिड हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप के पर्सन रिजिड हैं। रिजिड का मतलब होता है पक्का, अपने व्यूज का पक्का, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पक्का। जो है रिजिड, थोड़े थोड़े हम उनको मतलब रूढ़िवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो इंसान जो जो चेंज नहीं होता वो रिजिड है। ठीक है ना, और कई बार चेंज बहुत जरूरी है, चेंज जो है लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एम्पावर्ड टू गिव समबडी टू गिव पावर, हो सकता है आप जो है अपने पर्सन को पावर देते हो। ठीक है, उनको आपसे पावर मिलती हो। ये ज्यादा ही गंदे लग रहे हैं, एक साइड करके बाल, या नहीं अच्छे लग रहे हैं। चलिए जैसे भी लग रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छे से रीडिंग ही करनी है। डिलाइटफुल, खुशी से परिपूर्ण। देखिए आप अपने पर्सन को या आपको कहा जा रहा है कि आप खुशी से परिपूर्ण होने वाले हैं, या आप अपने पर्सन को खुशी से भर देते हैं। डिलाइटफुल, उनको बड़ा डिलाइटफुल फील होता है आपके साथ। कॉन्कर, कुछ जीतना चाहते हैं आप। आपको कहा जा रहा है बी स्ट्रांग। देखिए अगर आप किसी कनेक्शन में है तो आपको कहा जा रहा है, या किसी किसी जिस चीज को भी आप चाह रहे हैं उसके लिए बी स्ट्रांग। आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, वेट आर देयर। किसी चीज के लिए आप कीन हैं,
किसी इंसान के लिए, किसी डिज़ायर के लिए, ठीक है। चैलेंज आपकी लाइफ में बड़े चैलेंज हैं, बड़ी चैलेंज वाली लाइफ रही है आपकी, आपके पर्सन की, वाइस वर्सा भी हो सकती है। एनर्जी काम, काम का मतलब होता है शांति से, पीसफुली। देखिए मेरे व्यूअर्स जो हैं, इनके ऊपर उनके एल्डर एंसेस्टर्स की बड़ी कृपा है। आपका पर्सन आपसे एल्डर हो सकता है। सक्सेस, देखिए यहाँ पे सक्सेस पब्लिक प्लेस आया है, तो आपको हो सकता है पब्लिक प्लेस से रिलेटेड कोई जॉब जो है आपको मिल सकती है, या आप ऑलरेडी ऐसी जॉब में हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। तो करियर से रिलेटेड भी आ गया हमारे पास एलिवेट। वाओ, देखिए ये नया साल या इस एनर्जी में आप एलिवेट हो रहे हैं, मतलब एक जैसे एक लिफ्ट होती है ना, ऊपर जाती है, ऐसे ही आपकी लाइफ भी एलिवेट हो रही है, ठीक है। देखो मैंने यही पूछा था डिवाइन से, यही मुझे जो है टॉपिक मिला है कि आज करंटली देखेंगे हम क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यंग मैन, हो सकता है आप किसी यंग मैन से डील कर रहे हो, या आप यंग हो, आपका पर्सन एल्डर हो, या एल्डर आप हो तो पर्सन यंगर हो, तो ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप यंग मैन हैं या यंग मैन से डील कर रहे हैं, जैसे भी आपसे रिलेट हो देख लीजिए, ठीक है। चलिए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स करंटली। अभी नहीं लूंगी, क्वेश्चन पूरा नहीं। मेरे व्यूअर्स जो है करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, करंटली जो है उनकी लाइफ में, करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, चाहे उनकी लव लाइफ है चाहे करियर लाइफ है। करंट, करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स लाइफ। ओके देखिए वो यहाँ पे देखिए कॉन्कर वर्ड हमारे पास आया था, और यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हो सकता है आपकी आपके पार्टनर से कोई लड़ाई हुई है, कोई मतभेद हुआ है, या आपका जहाँ पे आपका जॉब है या पब्लिक प्लेस है वहाँ पे आपका कोई झगड़ा या चल रहा है, तो कॉन्कर इसका मतलब वहाँ पे आपकी जीत होने वाली है, ये कार्ड ये बताता है, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, कभी ये कार्ड्स आएंगे आज, ठीक है। और क्या आता है देखते हैं, भगवान जी दीजिए कार्ड प्लीज। ओके दे दिया, तीन तीन चार चार कार्ड इकट्ठे आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कोई है जो आपको लेके इनसिक्योर है, डिस्ट्रैक्ट है आपका पार्टनर, देख लीजिए ये इंसान आपका ऑफर ठुकरा रहा है, या इस टाइप से एनर्जी है, या फिर ये इंसान जो है खुद में स्टक है इस टाइम, ये इसको अच्छी से अच्छी चीज़ भी बेकार लग रही है, इसको लग रहा है कि कुछ नहीं है, अपनी ही दुनिया में अपनी ही उधेड़ बुन में है ये। पास्ट में देखिए, पास्ट में तो नहीं मैं कहूँगी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का एग्रेशन को दिखाता है, तो हो सकता है ये इंसान जो है आपसे इस टाइम गुस्सा है, जैसा कि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी आया, कोई लड़ाई झगड़ा, या आप अपने पार्टनर से गुस्सा है, दोनों तरफ से हो सकता है। देखिए अब आपसे कैसे जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला ये चैलेंजेस, ये कार्ड चैलेंजेस को भी दिखाता है, यहाँ कीवर्ड हमारे पास चैलेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, इनसिक्योरिटी है आपको या आपके पर्सन को। देखिए आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहा है लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। देखिए आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन आपके पास पैसा आ सकता है, और क्या आ रहा है करंटली, सक्सेस सक्सेस। ओके सक्सेस सक्सेस बोला और चैरियट का कार्ड आ गया, मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, आपको कोई आपके काम से रिलेटेड सक्सेस मिल सकती है, या जिस चीज के लिए भी आप जो है चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आपने जो है काफी जो है हार्डशिप जो देखी है लाइफ में, चैलेंजेस, ठीक है, अभी भी आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है जिस चीज के लिए आप चाह रहे हैं, जिस चीज को उस चीज के लिए आप जीत पाना चाह रहे हैं,
आप खुशी पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और वेट भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ नाइट का कार्ड भी जो है वेट को दिखाता है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, देखिए आप लोग ट्रेवल करने भी कहीं जा सकते हैं, ट्रेवल करके। दुखी है आपका पार्टनर, थर्ड पार्टी है, हाई प्रिस्टेस आपको आपसे चीजें छुपाता है। आपको लगता है आप चीजें छुपाते हो, उसको लगता है आप चीजें छुपाते हो, सॉरी आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है आपसे सच नहीं बोलता। यहाँ पे इंट्यूटिव लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनमें से बहुत कई लोग जो है, देखिए ये पर्सन जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल, बड़ा गिविंग हो रहा है आपको लेके, आपको ये क्लैरिटी देना चाहता है। आपका पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, इसको लगता है कि आपने ही दिया है इस कनेक्शन में, और ये जो है कुछ अच्छा नहीं कर सका आपके साथ। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए डर भी है इसको, आपसे डर रहा है ये बार बार आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। देखिए फैमिली बनाना चाहता है, कंप्लीशन देखता है आपके साथ, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये बंदा। आपको अपना सब कुछ समझता है, आपको अपना लकी चार्म समझता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज करना चाहता है आपसे, जो भी आपका पार्टनर है या पार्टनर पर्सन है या फीमेल है या मेल है, जो भी है। ठीक है जी, सक्सेस चाहता है इस रिलेशन में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई इल है, कोई फिजिकल इश्यू है किसी को। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एग्रेशन के दो दो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक दूसरी बार आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड नहीं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स था इधर। सेवन ऑफ, सेवन नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, जैसे कि ये ईयर जो है ये भी सेवन नंबर ही बनता है ना, केतु का नंबर है। ठीक है, चलिए अवेकनिंग हुई है किसी की, आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है, हो गई है। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, देखिए पास्ट में इस पर्सन ने आपको ना, आपको नीचा दिखा के, इसको ऐसा लगता है जैसे इसकी ईगो बूस्ट हो रही है, बहुत नीचा दिखाया इसने आपको, टेन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन थ्री डी में, और सॉरी फाइव, थ्री डी में जो भी चल रहा हो, लेकिन फाइव डी में ये आपको अपनी फैमिली मानता है, दिल से आपके लिए प्रेयर्स करता है, दुआएं करता है ये पर्सन। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप जो हो बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, और आपके ऊपर एंजल्स जो है बहुत, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं आपको एलिवेट, आपको सक्सेस दिलाने में। आपके पास क्लैरिटी आ सकती है, आपको आप कुछ छुपे हुए राज हैं जो आपके सामने, आप बहुत बहुमुखी प्रतिभा के मालिक भी हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, मेल है फीमेल है जो भी है, जो है तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है ये, लेकिन गुस्सा नाक पे है, आपको खोने से डर रहा है, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको चाहे शो करता है चाहे नहीं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत उम्मीद है इस रिश्ते से उसको। मैजिशियन, देखिए कार्ड पहले आया था, मैंने नहीं लिया था, रख दिया था। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, या जिस चीज के लिए भी आप यहां रीडिंग देखने बैठे हो ना, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। देखिए वर्ड का कार्ड आ गया, अब और कुछ कहने की जरूरत, आज मैंने साइन भी नहीं बताया। देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस, स्वॉर्ड है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, यहाँ पे हमारे पास वॉन्ड्स भी हैं तो एरीज लियो सैजिटेरियस, कप्स नहीं नजर आ रहे, इमोशंस कप्स, कप्स भी आ गए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस फोर ऑफ कप्स आए हैं। आपके यहाँ थर्ड पार्टी जरूर है, आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांगली है ये पर्सन। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको इतना लटका क्यों रखा है, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं दी अभी तक, तो काफी लड़ाई झगड़े भी इसी बात को लेके हुए हैं, क्योंकि ये इंसान किसी और की तरफ, इसकी प्रायोरिटी कोई और है। देखिए बहुत लोग यहाँ मैरिड से भी डील कर रहे हैं, इनका स्पाउस या इनका जो घर में कोई फैमिली है जो भी है,
वो जो है थर्ड पार्टी है। देखिए चेंज, न्यू बिगनिंग तो आपकी होनी है पक्का। जल्दी स्टार्ट, आप एक दूसरे से दूरी पे रहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड देखो एक क्या होता है, बहुत कोशिश करी आपने मूव होने की, आपके पर्सन ने मूव होने की, लेकिन आप फिर इसी पे ही रुक गए। फिर जो है आप इसी को ही सोचते हैं। देखिए ये क्या आया है हमारे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको ये बहुत हाई रिगार्ड में देखता है, चाहता है डिवाइन से आपको अपना हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल की तरह अपनी लाइफ में लाना। आपके लिए बहुत पैशनेट है, इसका बस चले तो भाग के आ जाए। ठीक है जी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये आप, आपसे मैरिज करना चाहता है ये इंसान। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे यूनिवर्स, मेरे भगवान जी, मेरे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए ताकि मैं और इनको और अच्छा गाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए सब ठीक। बाल ना उलझे बड़े पड़े, सिर धोया था। चलिए और मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपकी लाइफ में, चाहे आपकी करियर लाइफ में हो, चाहे आपकी वैसे लाइफ में, आपको चीजें बड़ी डिले होके बड़ी देरी से मिलती हैं बाय लक। मिलता सब कुछ है लेकिन टेक टाइम। देखिए यहां पे जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप या आपके पर्सन जो है बीमार हो सकते हैं। बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में ना जो आपको गिरा के खुश हैं, आपके छुपे हुए दुश्मन बहुत मैं देख रही हूं यहाँ पे, जो आपको ना नीचा दिखा के बड़े खुश होते हैं। आप अपनी तरफ से, आपका मन साफ होता है, आप अपनी सारी चीजें बोल देते हैं, लेकिन लोग इसी चीज का फायदा भी उठाते हैं और आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। आप साधारण स्वभाव में अपनी बातें कह देते हैं और फिर लोग आपको उसी चीज का उल्हाना या ताना देते हैं, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए वो बातें यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं, एक फुल पैकेज है, एक कंप्लीशन, एक मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें सारे गुण हैं। देखिए दो दो कार्ड आए हैं, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी स्थिति, चाहे आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितने पैसे हैं, लेकिन लोग आपको बड़ा संपन्न देखते हैं। संपन्न, जैसे एक होता है ना, जैसे एक इंसान के पास सब कुछ है तो लोग आपको बड़ा संपन्न देखते हैं। आपकी लाइफ एलिवेट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए, लेकिन चीजें जैसा कि मैंने बोला है कि आपका बाय लक कुछ ऐसा है कि आपको चीजें थोड़ा लेट डिले होके मिलती है। ठीक है जी, आप एग्रेशन अपने अंदर मत लाएं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मैं देख रही हूं इस टाइम मेरे व्यूअर्स को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, इस टाइप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सूखी गए बांध ही लगती हूँ, खिंच चढ़ रही। एक्चुअली मुझे बाल खोलना ना बड़ा गंदा लगता है। अनकंफर्टेबल सा फील होता रहता। ठीक है जी, तो और क्या देख पा रही हूं मैं, और ये दिखा रही हूं कि आप कहीं जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, कोई ऐसी। देखिए यहां पे मैं देख रही हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह बदल के, जिनको ज्यादा जो है, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सब लोगों से मैच नहीं होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको जो है इस जगह से कहीं दूसरी जगह, या इस शहर से किसी दूसरे शहर, या अगर वो फॉरेन मतलब वहां पे जाके ज्यादा उनको एलिवेट होगी, उनकी लाइफ ज्यादा सक्सेस मिलेगी, मैं ये देख पा रही हूं। ये बड़ा स्पेसिफिक, जिनको कोई मौका मिल रहा है तो वो उनके लिए अच्छा है।
रहेगा उनकी लाइफ के लिए, उनको आगे सक्सेस दिलाने के लिए। आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ के अगर आप बहुत कीन हैं या आप वो विश चाहते हैं पूरी हो जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको अपनी डिज़ायर, अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसके ऊपर जो है अपने आप को रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ ही ऐसी है चैलेंजेस से भरी हुई। ठीक है जी, मिलेगा आपको सब कुछ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेंटिकल के कितने कार्ड आए हैं, तो पैसा तो आपके पास आ रहा है, नो डाउट। ये साल बहुत से लोगों को माला माल कर जाएगा, हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे, मैंने जैसा कि मैंने पहले ही ये प्रेडिक्शन क्या मतलब एनर्जी जो मुझे पिक हुई है, जजमेंट। प्रेयर करिए, डेली प्रेयर करो, डेली प्रेयर। ये जजमेंट का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि मेरे व्यूअर्स डेली ग्रैटिट्यूड और प्रेयर, जो चाहते हो आप उसको डिवाइन से मांगो और डेली प्रेयर करो, डेली। और दुश्मन के लिए भी प्रेयर करो, आप जितने जेनरस होंगे, जितनी जेनरोसिटी आपके अंदर आएगी ना, आप और आगे बढ़ेंगे। मैंने ये देख रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स में, क्योंकि देखो आप एक चीज देखो ना, आप यहाँ देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। ये एनर्जी क्या होती है कि एक इंसान में सारी खूबियां, पता नहीं कितनी खूबियां जो उसको भी नहीं पता। यहां से ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड, कहाँ गए हाई प्रिस्टेस? हाई प्रिस्टेस भी हमारे छुपे हुए टैलेंट और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान और बहुत दिमाग वाले इंसान को दिखाता है। एक्चुअली आपकी एनर्जी जो है ना, आधे लोग तो आपकी एनर्जी से दूर भाग जाते हैं। देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या मतभेद हैं वो इसीलिए होते हैं, आपकी एनर्जी से मैच नहीं खाते लोग। देखिए ये आपका पर्सन भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट इसीलिए है, ये आपसे जब इंटेंस, ज्यादा इंटेंस कनेक्शन जो महसूस करता है ना, तो ये आपसे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, आपसे अलग होना शुरू हो जाता है। इंटेंस कनेक्शन आपसे जब फील करता है ना आपका पर्सन, देखिए फोर ऑफ वॉन्ट्स, आप मैरिड हो, आपका पर्सन मैरिड है, या यहाँ पे कोई स्पेशली अपनी शादी के लिए देख रहा है, तो बहुत जल्दी हो सकता है विद इन 4 मंथ अप्रैल तक उसकी शादी हो सकती है। ठीक है जी, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए मुझे मिला है। देखिए कोई यहाँ पे ना, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, देखिए व्यूअर्स में कोई ऐसा है, काफी इंट्यूटिव है नो डाउट, लेकिन ट्रिक्स्टर भी है। आपको कहा जा रहा है आप सीधे रास्ते से चले, ज्यादा ट्रिक्स वगैरह ना फॉलो करें। यहाँ पे आपका पर्सन जो भी है इंसान, इसकी अवेकनिंग होगी है। अगर ये पास्ट में, देखिए अवेकनिंग मैजिशियन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अवेकनिंग इसकी हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है और हम उसको रिवर्स में ही लेंगे। तो हैंग्ड मैन रिवर्स में आने का मतलब है कि इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, इंपॉर्टेंस ये आपकी समझ चुका है, आपके लिए पैशनेट है। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है ना, देखिए इस इंसान को चाहे दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, पैशनेट है आपके लिए, आपको फैमिली की तरह देखता है, आपके साथ डीप इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्शन, ये स्लो एनर्जी क्यों हो जाती है? इसीलिए क्योंकि ये बंदा जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये इंसान चाहे आपके साथ कितना भी इसका प्यार हो, वो कैसा भी कनेक्शन हो, लेकिन ये जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रायोरिटी पे इसको अपनी फैमिली, अपनी बच्चे, अपनी जो हस्बैंड, वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे लगते हैं। हस्बैंड वाइफ जो भी कह लीजिए आप, जो भी आप अपने उसके हिसाब से देख लीजिए, जो भी ये पर्सन आपका ही और शी है, ठीक है। हो सकता है इस टाइम ये पर्सन जो है कहीं ट्रैवल कर रहा है, या आप कहीं ट्रैवल करा है आपने या करेंगे आज जो करंटली मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जो लोग बताते हैं ना, हाँ मैम ये मेरे साथ मैच हुआ, ये आप ठीक कह रहे हो, तो मुझे बड़ा एम्पावरमेंट जैसे कहते हैं ना, अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ भाई मेरी रीडिंग जो है सबसे जो है मैच कर रही है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे पैसा भी बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के बीच में ना, आप लोगों के कनेक्शन में पैसा भी मैं बहुत बड़ा मसला देख रही हूँ।
कि आपका जो ये पर्सन है थोड़ा, या आप मनी माइंडेड हो, थोड़ा मनी को, मनी माइंडेड क्या हो मतलब, मनी ही अगर जितनी आती है खर्चे उससे ज्यादा, वो चीज़ तो आजकल देखो टाइम ही ऐसा है, क्योंकि आजकल हम लोगों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि मनी जो है प्रायोरिटी है ही सबके लिए। लेकिन चैलेंजेस बहुत देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, आपको क्लैरिटी मिल सकती है आपके साथ। देखिए जरूरी नहीं है कोई एक्स है, ये आपका कोई न्यू वन भी है जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन और चीजों को सोच के, क्योंकि इसको आप बड़े लक्की चार्म की तरह एक अबंडेंट, एक डिलाइटफुल, खुशी से एम्पावर्ड लगते हो। आपका पर्सन रिजिड बहुत है, जैसे होता है ना एक इंसान अपनी शर्तों पे, चाहे अंदर से कितना भी दुखी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखा के, आपको कम आंक के, चाहे वो आपके जहां पे आप जॉब या बिजनेस करते हैं वहां पे है, उससे चिढ़ते हैं या आपको कम दिखाने की कोशिश करते हैं, या आपको कम दिखा के बड़े खुश होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है। कंप्लीशन तो आपकी लाइफ में आके रहेगा, आपका वक्त चेंज हो रहा है एक्चुअली। अब यहां पे कई मेरे व्यूअर्स सोचते होंगे मैम तो कितने टाइम से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है कि वक्त चेंज हो रहा है, वक्त वक्त चेंज हो रहा है, लेकिन हमें पता क्या है, हमें एक हैबिट बनी हुई है बुराइयों को देखने की, जो हमारे पास कमी है उसको देखने की, जो हम धीरे धीरे अचीव करते हैं उसको, हम उसको ध्यान दीजिए ना उसकी तरफ, ध्यान जो है अपनी अचीव, जो आपने अचीव किया उसकी तरफ दीजिए, अपने आप देखेंगे कि क्या क्या आपने अचीव किया है, कैसे कैसे आपको बाय लक चीजें मिली हैं। थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड होना भी जो है, अपने आप को एम्पावर्ड कीजिए। एम्पावर्ड क्या करना है, अब ये आपके हाथ में। अब आप एम्पावर का मतलब होता है टू गिव समबडी टू गिव पावर और समथिंग टू गिव पावर। तो यहां पे आप पावर किसको देते हो, अपनी जो गलत चीजें हैं उनको याद कर करके, जो आपने नहीं मिला है उसको ले ले करके, उन चीजों को पावर नहीं देनी है, पावर देना है जो हमने अचीव किया है, जो हमारे पास है, जो हमें कुदरत ने दिया है, जो हमें डिवाइन ने दिया है, जो हमारी लाइफ में अच्छा हुआ है, उसको सोचना है आपने। ठीक है व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग इतनी है। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी